क्या आप पैरामीशियम के बारे में जानते हैं? क्या आपको पता है कि ये एक ऑर्गेनिज्म है जो खाता भी है, चलता भी है और रिप्रोडक्शन भी करता है। हालांकि इसके पास बहुत सारे ऑर्गन्स तो नहीं हुआ करते हैं, जैसे दिल, दिमाग, आंखें, कान, ऐसा कुछ भी नहीं। तो ऐसे इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिज्म के बारे में आप जरूर से जानना चाहेंगे, इसलिए आज इस वीडियो में हम पैरामीशियम के बारे में वो सब कुछ जानते हैं जो इस फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना जरूरी है। तो पैरामीशियम एक यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जो किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है। यूनिसेल्यूलर का मतलब तो आप जानते ही हैं कि इसमें केवल एक ही कोशिका होती है, और यूकैरियोटिक यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी सेल्स में एक न्यूक्लियस यानी केंद्रक हो और अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हो। इनमें सभी एनिमल्स, प्लांट्स, फंगी और ज्यादातर एल्गी एक्सेट्रा आते हैं। वैसे ह्यूमंस भी तो इसी में आते हैं, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि पैरामीशियम जब यूनिसेल्यूलर है तो फिर ये यूकैरियोटिक जितना डेवलप्ड कैसे हुआ? तो आपको बता दें कि यूकैरियोट सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं और मल्टी सेल्यूलर भी, और पैरामीशियम एक सिंगल सेल्ड यूकैरियोट है जिसमें अदर हायर डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स की तरह ज्यादा सेल्स नहीं होती है। तो आइए इसके बारे में और जानते हैं। इसकी टोटल 10 स्पीशीज है, जिनमें से कॉमन स्पीशीज है पैरामीशियम ओरिलिया, पैरामीशियम कॉडिटम, पैरामीशियम वुड्रफी और पैरामीशियम ट्राइकियम। ये पैरामीशियम यूनिसेल्यूलर सीलिएट्स होते हैं। सीलिया ऐसे हेयर लाइक फाइबर होते हैं जो पैरामीशियम की पूरी बॉडी को कवर किए होते हैं। ये गति करने में और खाना इकट्ठा करने में पैरामीशियम की मदद करते हैं। सीलिया के बारे में सबसे पहले पैरामीशियम के थ्रू ही पता चला जब 17th सेंचुरी में माइक्रोस्कोपिस्ट ने पैरामीशियम को डिस्कवर किया और उन्हें पता चला कि सीलिया फूड गैदरिंग और लोकोमोशन यानी गति में हेल्प करते हैं। पैरामीशियम ताजे पानी, मीठे और खारे पानी में पाए जाते हैं। इन्हें सरफेस से अटैच भी देखा जा सकता है। ये बहुत ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं और इसलिए इनकी वाइड अवेलेबिलिटी के चलते बहुत से बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए इनको स्टडी किया जाता है। पैरामीशियम का स्ट्रक्चर स्लीपर जैसा होता है, इसलिए इसे स्लीपर एनिमेलिक्यूल्स भी कहा जाता है। ये 50 से 300 माइक्रोमीटर्स तक ग्रो करते हैं और इन्हें आसानी से माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता है। इसकी सेल ओवल, स्लीपर या सिगार शेप की होती है। और अब जानते हैं पैरामीशियम में पाए जाने वाले कॉम्पोनेंट्स के बारे में। सबसे पहले सीलिया, इसके बारे में तो आप जान ही चुके हैं। अगला है पैलिकल, जो कि एक फ्लेक्सिबल फर्म और थिन मेम्ब्रेन है जो कि इसकी पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। ये फ्लेक्सिबल होती है और सेल को एक निश्चित आकार देती है जिसे चेंज भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है सिस्टोस्टोम, जिसके कई सारे पार्ट्स होते हैं जो ओरल ग्रुप जो पैरामीशियम को एक असिमेट्रिकल शेप देता है। क्रिप्टोगी, जो सारा अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकालने में हेल्प करता है। क्रिप्टोप्लाज्म, जिसमें एक जेली जैसा मटेरियल होता है जो एक्टोप्लाज्म के अंदर रहता है। एक्टोप्लाज्म ऐसी क्लियर और डेंस लेयर जिसमें सीलिया, फिब्रिलियर स्ट्रक्चर्स और ट्राइकोसाइट्स होते हैं। ट्राइकोसाइट्स एक डिफेंसिव ऑर्गन होता है। एंडोप्लाज्म, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, फूड वैक्यूल्स, न्यूक्लियाई एसेट्रा होते हैं। न्यूक्लियस इसके दो पार्ट्स होते हैं, माइक्रो न्यूक्लियस और मैक्रो न्यूक्लियस। वैक्यूल की बात करें तो ये दो तरह की होती है, फूड वैक्यूल और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स। फूड वैक्यूल्स फूड डाइजेशन में हेल्प करती है और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन और ऑस्मोरेगुलेशन में मदद करती है। अब जानते हैं पैरामीशियम के लोकोमोशन के बारे में। इस पर मौजूद हजारों सीलिया के कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट से पैरामीशियम आगे बढ़ता है। ये अपनी एक्सिस के चारों तरफ रोटेट भी कर सकता है, और अगर रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल आ जाए तो ये रिवर्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है। लगता है पैरामीशियम को ना रुकना पसंद ही नहीं है। अब पैरामीशियम के न्यूट्रिशन के बारे में जाने तो पैरामीशियम मोस्टली हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, यानी परपोषी होते हैं। ये कई तरह का फूड कंज्यूम करते हैं, जैसे यूनिसेल्यूलर प्लांट्स, बैक्टीरिया, एल्गी, यीस्ट और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। पैरामीशियम अपना फूड सीलिया के थ्रू लेता है और अनडाइजेस्टेड फूड टेम्पररी एनल पोर यानी साइटोपीच के जरिए बाहर कर दिया जाता है। चलिए न्यूट्रिशन की बात हो गई है, लेकिन क्या आपने पैरामीशियम के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में कभी सुना है, जो ग्रीन एल्गी के साथ होता है? आइए इसके बारे में जानते हैं। पैरामीशियम की कुछ स्पीशीज जैसे पैरामीशियम बर्सरिया ग्रीन एल्गी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फॉर्म करती है, जिसमें एल्गी फोटोसिंथेसिस के थ्रू पैरामीशियम को फूड प्रोवाइड कराता है, और पैरामीशियम एल्गी को एक सेफ और प्रोटेक्टिव हैबिटेट प्रोवाइड कराता है, क्योंकि ये एल्गी को अपने साइटोप्लाज्म में रहने की जगह देता है। ये कितना यूनिक फीचर है ना, और इंटरेस्टिंग भी। अच्छा, अब ये बताइए कि क्या आपने कप्पा पार्टिकल्स के बारे में सुना है? इसका नाम वैसे जितना इंटरेस्टिंग है, ये उतना ही स्ट्रेंज है, क्योंकि पैरामीशियम में
इंट्रासेल्युलर बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, जिन्हें कप्पा पार्टिकल्स कहा जाता है। और ऐसे पैरामीशियम जिनमें कप्पा पार्टिकल्स होते हैं, वो दूसरे स्ट्रेन के पैरामीशियम को किल करने की एबिलिटी रखते हैं। ये पार्टिकल्स ग्राम नेगेटिव सिम्बायोटिक बैक्टीरियम होते हैं, जो पैरामीशियम ओरिलिया के कुछ सर्टेन स्ट्रेन में उनके साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। जब ये बैक्टीरिया सराउंडिंग्स में रिलीज होते हैं तो पी पार्टिकल्स में बदल जाते हैं, जो एक पॉइजन सिक्रीट करते हैं। इस पॉइजन को पैरामेसिन कहा जाता है और इससे पैरामीशियम ओरिलिया के दूसरे सेंसिटिव स्ट्रेन मर जाते हैं। कप्पा पार्टिकल्स के बाद अब जानते हैं पैरामीशियम रिप्रोडक्शन के बारे में। तो पैरामीशियम में मोस्टली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो बाइनरी फिजन होता है। इसमें एक मच्योर सेल दो सेल्स में डिवाइड हो जाती है और हर सेल तेजी से ग्रो करके एक न्यू ऑर्गेनिज्म यानी पैरामीशियम में बदल जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि पैरामीशियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, जिसके कई मेथड्स होते हैं, जैसे कॉन्जुगेशन, जिसमें दो पैरामीशियम के बीच जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है। लेकिन कॉन्जुगेशन के लिए जरूरी है कि एक पैरामीशियम ने पहले 50 टाइम्स असेक्सुअली मल्टीप्लाई किया हो। पैरामीशियम में ऑटोगैमी भी पाई जाती है, यानी सेल्फ फर्टिलाइजेशन, जबकि साइटोगैमी काफी कम पाई जाती है। इसमें दो पैरामीशियम कॉन्टेक्ट में तो आते हैं, लेकिन कोई न्यूक्लियर एक्सचेंज नहीं होता है, बल्कि एक न्यू माइक्रो न्यूक्लियस बनता है, जो पैरामीशियम के रेजुविनेट होने से यानी कायाकल्प करने से बनता है। एक पैरामीशियम एजिंग के फेज से भी गुजरता है, और अगर वो कॉन्जुगेशन नहीं करता है तो बाइनरी फिजन यानी विखंडन के 100 से 200 साइकिल्स के बाद मर जाता है। पैरामीशियम के बारे में इतना कुछ जान लेने के बाद ये जानना भी जरूरी है कि ये ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बहुत मददगार है या नुकसानदायक। आइए जानते हैं। पैरामीशियम जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाटर क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए एक यूजफुल टूल हो सकते हैं, क्योंकि रिसर्चर्स पैरामीशियम की स्विमिंग स्पीड्स और मूवमेंट को ट्रैक करके वाटर पॉलिटेंस की क्वालिटी और प्रेजेंस को डिटेक्ट कर पाए। पैरामीशियम की स्विमिंग स्पीड को कम होता हुआ देखा गया जब वाटर पॉलिटेंस जैसे हैवी मेटल्स, जिंक क्लोराइड, कॉपर सल्फेट और एरिथ्रोमाइसिन जैसे कुछ एंटीबायोटिक्स पानी में प्रेजेंट थे। तो इससे रिसर्चर्स ने कंक्लूजन निकाला कि पानी पीने लायक है या नहीं, ये जानने के लिए पैरामीशियम की हेल्प ली जा सकती है, और इसमें किसी स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट या केमिकल्स की भी जरूरत नहीं होगी। और जहां तक पैरामीशियम की बीमारी पैदा करने की बात है, तो ये पैरामीशियम इसके जैसे सिमिलर क्रिएचर्स जैसे कि अमीबा जैसा नहीं है। अमीबा बीमारी पैदा करता है, लेकिन पैरामीशियम फ्री लिविंग होता है, जो किसी और क्रिएचर जैसे कि ह्यूमंस के अंदर पैरासाइट्स की तरह नहीं रहता। पैरामीशियम की सभी नोन स्पीशीज डिफरेंट एक्वेटिक एनवायरमेंट्स में ही मिला करती हैं। और फिर अभी तक पैरामीशियम को उससे स्मॉल क्रिएचर्स जैसे बैक्टीरिया और यूनिसेल्युलर फंगी को तो खाते हुए देखा गया है, लेकिन ह्यूमन बॉडी सेल्स पर अटैक करते हुए और उसे खत्म करते हुए नहीं देखा गया। बल्कि पैरामीशियम तो क्रिप्टोकोकस नियोफोमिन्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जो कि फंगी के एक स्पेशल टाइप से ह्यूमंस में होने वाली बीमारी है। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि डिजीजेस को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करने वाला पैरामीशियम डिजीजेस को स्प्रेड करने में भी हेल्प कर दे, और ऐसा इम्बैलेंस होने पर होता है। इससे ये समझ में आता है कि यूं तो पैरामीशियम अपनी दुनिया में आराम से रहना पसंद करता है, और इसी दौरान वो अनजाने में हमारी काफी मदद भी कर सकता है, लेकिन कभी कभार इम्बैलेंस होने पर वो जाने अनजाने हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। यानी ये ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हेल्पफुल तो है, लेकिन कुछ कुछ हार्मफुल भी है। लेकिन हमें ये उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए सिर्फ हेल्पफुल रहा होगा और आपको पैरामीशियम के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। कमेंट सेक्शन में अपना प्यार जरूर शेयर कीजिएगा, अगला सवाल लिखिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और रूबी आपसे मिलेगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे कहूंगी धन्यवाद।